क्योंकि मेडिकल ऑफिसर एलोपैथी है, तो इनसे आज तमाम जानकारी लेंगे। और मैम जहां बात करते हैं इस समय कोविड पेंडेमिक चल रहा है, तो आप भी जानती हैं कि माहौल को अब हमें थोड़ा हल्का फुल्का लेना चाहिए, क्योंकि अब सब लोग जो है इससे हम कह सकते हैं ये समझ चुके हैं कि इस पेंडेमिक के साथ ही हमें अपना जो जीवन है वो व्यतीत करना है। तो सबसे पहले मैम मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि इस समय जितनी भी वुमेन्स आपको देख रही है उनके लिए क्या कुछ हिदायत देना चाहेंगे, क्योंकि वुमेन्स का मैंने इसलिए शुरू में कहा कि आप भी जानती है एक महिला होने के नाते ये तो कहा जाता है कि महिला लेडीज फर्स्ट, लेकिन आपने भी अक्सर देखा होगा कि महिला तब खाना खाती है जब घर के सारे लोग खा लेते हैं और एंड में महिला अपना खाना खाती है, उससे इस समय अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने की कितनी जरूरत है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड रही बात इस पेंडेमिक की, तो ऐसा नहीं है कि ये वुमेन को स्पेयर कर देगा, इट इज इक्वल फॉर ऑल, कोई भी इन्फेक्ट हो सकता है, एंड जो जनरल प्रिकॉशंस हैं वो भी सबके लिए सेम है, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क है, सैनिटाइजर्स हैं, ये सारे प्रिकॉशंस अलॉन्ग विद डाइट और ये हमें लेने पड़ेंगे। एंड वो जमाना चला के आगे जब फीमेल बाद में खाती थी और बाकी सब एक साथ खाते थे, आजकल सब इक्वल हैं। एंड रही बात हेल्थ की, तो ऑल आर कॉन्शियस, इसमें मेल फीमेल ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन जी बिल्कुल वही मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा कि जहाँ पे अगर हम इस समय बात करें कि बहुत सारे लोग जो है वो ये समझ रहे हैं कि महज जो कोविड 19 है वो एक अफवाह के तौर पर है, और आप देखिए कि इस समय हर किसी का पूरे एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। मैम उन्हें क्या कहना चाहिए, क्योंकि आप देखिए चेन तब बढ़ती है अगर एक भी व्यक्ति कोई बेवकूफी इस समय करता है तो 10 और लोगों में ये जो महामारी है ये बढ़ सकती है, उन्हें किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने के लिए कहेंगे और कितना जरूरी है इस समय कि हर एक व्यक्ति तमाम प्रिकॉशंस ले। मैम जैसे बेसिक प्रिकॉशंस की हम बात करते हैं, सब जानते हैं कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हैंड को सैनिटाइज करना या हैंड वॉश करना कितना जरूरी है। देखिए जो ये सेकेंड वेव है कोविड की, मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी ऐसा इंसान है जो इसको समझ नहीं पा रहा। फर्स्ट वेव में तो फिर भी लोगों को थोड़ा डाउट था कि ये कुछ है नहीं, बट सेकेंड वेव जो हमारा वायरस आया है कोविड का, कोरोना वायरस, इसमें काफी सारे म्यूटेशंस हैं एंड सबको ये इन्फेक्ट कर रहा है। सेकेंड वेव में आप मोर्टेलिटी रेट देख सकते हैं। मैम मैं आपको रोकना चाहूंगी, आई गेस कॉल जो है वो आ रहे हैं। हेलो जी, हाँ जी बोलिए। वेरी गुड मॉर्निंग सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? जी सर बोलिए। जी हाँ जी, कि जो इस वक्त क्या क्या नया जो कोविड आया इसमें क्या क्या निशानियाँ होती हैं, जो जी मतलब लक्षण पूछना चाहते हैं आप, कैसे आप पहचानिए कि कोविड 19 है। जी मैम ये सवाल है इनका कि कैसे ये पहचानेंगे कि इन्हें लक्षण है। देखिए जो फर्स्ट वेव ऑफ कोविड थी उसमें सिम्टम्स फीवर थे, सोर थ्रोट एंड स्नीजिंग थी, ये सिम्टम्स कॉमन थे, बट इस बार बिकॉज वायरस में म्यूटेशन है, चेंजेस आए हैं इसके सिम्टम्स में, फीवर है टू स्टार्ट विद, कई बार ऐसा हो रहा है कि फीवर भी नहीं है, फीवर बाद में आ रहा है, लेकिन इस बार जैसे बॉडी में एक नमनेस ही है, लूज मोशन है, कफ है और हाई ग्रेड फीवर बाद में स्टार्ट हो जाता है, तो ये इस बार ज्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं, अलॉन्ग विद कईयों को हेडेक आ रही है, बॉडी पेन्स हैं, जनरल वीकनेस है, अलॉन्ग विद डायरिया, इस बार डायरिया बहुत सारे पेशेंट्स में वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स देखा जी। मैम मुझे लगता है इनसे पूछना पड़ेगा कि इन्हें कोई सिम्टम तो नहीं, सर आपको कोई सिम्टम आ रहे हैं अभी तक? नहीं, मेरे को एक दिन ऐसे क्या कहते हैं इसको, रोजे थे तो रोजे में डायरे चीज वो हुआ, फिर मैं ठीक हो गया, दवाई शवाई खाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई ऐसी बात नहीं जी। लेकिन आपको अपने में डाउट लगता है कि आपको कोविड पॉजिटिव आप हो सकते हैं, ऐसा कुछ आपको लगता है अपने में? नहीं, नहीं, मुझे तो जी, नहीं लगा। जी मतलब आप इस समय बिल्कुल फिट है? बिल्कुल, तो बिल्कुल सर आप इसी तरीके से हंसते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल फिट है तो इसका मतलब है आप कोविड 19 में नहीं है और इस चीज की आपको खुशी मनानी चाहिए। शुक्रिया जी सर, ओके थैंक यू सर। तो बिल्कुल जिस तरीके से देखिए इन्होंने कहा कि इन्हें डायरिया था, उसके बाद इन्होंने रिकवर किया है, तो हम ये कह सकते हैं अभी भी जो लक्षण है मैम, और हम यही कन्वर्सेशन कर रहे थे कि लक्षण क्या कुछ जो है इस वेव में देखने को मिल रहा है। जी जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस बार डायरिया इज वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स, जी तो लाइटली नहीं लेना चाहिए, अगर आपको पता है आपके घर में कोई ऑलरेडी पॉजिटिव पेशेंट है या वर्क प्लेस पे किसी के साथ कंटेक्ट में आया है, तो सबसे पहली चीज आई वुड लाइक टू एडवाइस एवरीबॉडी कि प्लीज एंड प्लीज फॉर गॉड सेक आइसोलेट योरसेल्फ। जी आप तो उस चेन में आ चुके हैं राइट, बट अपने फैमिली मेंबर्स को एटलीस्ट प्रोटेक्ट कीजिए, एंड वी आर हियर 24/7, तो एग्जैक्टली ओपीडीज नॉट दे आर नॉट वर्किंग, बट हम यहाँ पे हैं, वी कैन हेल्प यू। जी एक और सवाल ये रहेगा, आई गेस कॉल्स आना शुरू हो गए हैं क्योंकि हम कॉल्स उठाते हैं। हेलो
हेलो हेलो आई गेस कॉल जो है पूर्ण रूप से लग नहीं रहा, तो वहीं पे जिस तरीके से आपने कहा कि आइसोलेट करना बहुत जरूरी है, देखिए हेलो हेलो हाँ जी बोलिए जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब यहीं पे है, आप बोलिए। जो कोविड है ना जी, कोविड का वैक्सीन जी, वैक्सीन के मुताबिक जी जी पूछिए मैम पूछिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की थी, फिर जब हमें डेट मिला तो हम वहाँ गए, लेकिन वहाँ पर उन्होंने बोला कि आज नहीं कल आ जाए, दो तो लास्ट में उन्होंने कहा आज नहीं है आप कल आ जाइए कल होगा, लेकिन घर पहुँचते ही मुझे मैसेज आई कि आपका वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन नहीं हुआ था। आप मुझे बोलिए अब मुझे क्या करना है इसके लिए, तो कहाँ पर मिलेगा वैक्सीन, जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको क्या वैक्सीनेट वो नहीं करते और विदाउट वैक्सीनेट आपको जो मैसेज है वो आ जाता है आपके फोन में? जी उसमें ये चीज हो सकता है मैम, कभी क्या होता है सेम पर्सन सेम नाम के पर्सन भी आते हैं, टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है, क्योंकि जब तक आप वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे ऐसा नहीं हो सकता कि आपके नाम पे आपको मैसेज फॉरवर्ड कर दिया जाए, क्योंकि ये टेक्निकली वर्क है, ऑनलाइन वर्क है, तो इसमें इस प्रकार के फॉल्ट आना बहुत ही चांसेस होते हैं। आप अपना स्लॉट देखिए दोबारा से और दोबारा से उस कंसर्न सेंटर में जाइए और अपनी वैक्सीनेशन जो है वो जरूर करवाइए, और इस समय ज्यादा से ज्यादा मैम खुश रहिए और अपने घर का जो एटमोसफेयर है वो भी खुशहाल बनाइए। थैंक यू मैम। तो जिस तरीके से देखिए अभी भी बहुत सारे लोगों को एक मिसकंसेप्शन है, और हम ये भी कह सकते हैं इसमें एक और सवाल मेरा रहेगा डॉक्टर मैम कि जहाँ पे इस समय आइसोलेशन की हम बात कर रहे थे वहाँ पे ये है कि हर एक व्यक्ति के पास इतना बड़ा घर नहीं है जो अपने आप को होम आइसोलेट कर सके। जब एक हम कह सकते हैं 18 वर्ष के किसी बच्चे को हम यूथ ही कहेंगे क्योंकि 18 वर्ष का कितना ही उम्र होता है, उसमें अगर किसी को पेंडेमिक हो जाता है यानी कोरोना हो जाता है, क्या वो उतना रिलेट अपने पेरेंट्स से कर सकता है, क्योंकि अक्सर ये कहा कि अगर फैमिली के 4 लोगों में कोरोना वायरस है तो वो इकट्ठे बैठ सकते हैं आइसोलेट कर सकते हैं, उसमें कितना जरूरी है कि अगर एक व्यक्ति को हम पर्टिकुलरली कहें कि इसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव हुआ है इसे कितना जल्दी अपने से होम आइसोलेट करने की जरूरत है या अपने से थोड़ा दूर रखने की जरूरत है? देखिए जो एक इंसान कोविड पॉजिटिव है वो तो सबसे पहले आइसोलेशन में जाएगा, बट अगर घर में एक से ज्यादा लोग पॉजिटिव है तो वो सब एक ही रूम में आइसोलेट हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग जैसे आपने कहा कि घर छोटा है तो जो एक या दो पॉजिटिव लोग हैं वो हॉस्पिटल में स्टे कर सकते हैं फॉर द पीरियड ऑफ देयर इलनेस। जी एक मिनट मैम, मुझे लगता है गेस्ट फोन उठा लेना चाहिए। हेलो जी सर बोलिए। हाँ जी सर वो सुन रहे हैं आप, बताइए। डॉक्टर मैम मेरे साथ ही है, बोलिए आपका क्या सवाल है सर? अच्छा आपकी एक नाक बंद है और एक नाक खुली, कब से ये कब से चल रहा है आपके साथ? एक दो घंटे हो गए। मैं सर मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये करूंगी, क्या आपको स्मेलिंग सेंसेशन आपकी ठीक है, आप कोई चीज की स्मेल ले पा रहे हैं? ठीक है सर, एज क्या है आपकी? कम से कम हो गए 2-3 घंटे हो गए। ठीक है, ये पहले आपको कोई एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है? देखिए आई गेस द कनेक्शन इज नॉट प्रॉपर, मैं इनसे ठीक है। ओके ओके सर, ऐसा हो सकता है कि अगर आपको कोई साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है उसमें वैसा हो सकता है, अगर आप एसी में सो रहे हैं ये मौसम वैसा है हो सकता है, इट्स नॉट बिकॉज कि एक नाक बंद हो गया है, ब्लॉकेज का प्रॉब्लम कोरोना से नहीं है, बट येस इफ आप स्मेलिंग सेंसेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन रिलेट। लॉस ऑफ स्मेल जो है कितना इंपॉर्टेंट एंड मेन सिम्टम है, दैट लॉस ऑफ स्मेल इज इक्वल टू RT-PCR, तो वो आपको सिम्टम नहीं है, सो आप निश्चिंत रहिए, यू आर ओके। हाँ आप ENT में एक प्रॉपर चेकअप करा सकते हैं कि क्या तकलीफ हुई है आपको नाक से रिलेटेड। अच्छा मैं कोई दवाई ले सकता हूँ? दवाई आप स्टीम लीजिए ले सकते हैं, नेजल ड्रॉप्स डाल सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है सर, ओके सर, शुक्रिया सर।
तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अभी दो दिन हुए हैं इनकी एक नाक बंद हुए, ऐसा अक्सर देखा गया है मैम कि जब भी छोटे मोटे इस तरीके के लक्षण आते हैं, लोग जो है अस्पतालों का रुख बहुत जल्दी करते हैं। जी, जी, उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जैसे देखिए इन्हें अभी दो ही दिन हुए। जी देखिए, नेजल कंजेशन जो है वो अलग है। ये बहुत बार ऐसा होता है कि जब इंसान को कोल्ड हो जाता है, राइट, तो उसमें आपकी लॉस ऑफ स्मेल चले जाती है। बट कोल्ड भी बिकॉज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ कोविड है, तो इट नीड्स टू बी वर्कआउट। पेशेंट को अलॉन्ग विद आइसोलेशन अपना वर्कआउट करना ही पड़ेगा। टेलीफोनिकली डॉक्टर से कंसल्ट करें, हम पूरी मेडिकल हिस्ट्री को पीछे एक्सप्लोर कर लेते हैं। हमें नेक्स्ट जो कॉल कर रहे हैं उनको लेना चाहिए। हेलो हेलो, जी सर बोलिए, डॉक्टर साहब यहीं पे है। जी हाँ जी हाँ जी, वो यही पे, आप सवाल बोलिए सर अपना। मुझे ये पूछना था कि ये हमने एक डोज बनवाया है, दूसरा डोज ये कब लगवाना, ये कब, मतलब आप कह रहे हैं कि पहला डोज लगा दिया है, दूसरे डोज में आपको कितना टाइम, उसका गैप कितना देना चाहिए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम बताइए। सर आप ये बताएं, आपकी एज क्या है सर? 52। ठीक है, 52 एज है। तो जेएनके में ऐसा है कि अबव 45 जो है वो कोविशील्ड लगी है, एंड कोविशील्ड के लिए डोज जो है वो 6 to 8 weeks अपार्ट है, वेयर एज कोवैक्सीन जो वैक्सीन है कोविड की, जो 18 to 45 एज ग्रुप के लिए लग रही है, उसमें जो गैप है वो 4 to 6 weeks का है। तो एज पर द डिटेल्स ऑफ द कॉलर, ही इज 52 ईयर्स ओल्ड, तो इनका नेक्स्ट डोज जो है वो 6 weeks के बाद बनता है, डेढ़ महीने के बाद बनता है। जी सर, आपका जो नेक्स्ट डोज है वो 6 week के बाद बनेगा, तो आप 8 हफ्तों के बाद, जी 6 से 8 हफ्तों के बाद बनेगा, तो तब आप अपना वैक्सीनेशन लगाइए और खुश रहिए सर, और जितना हो सके इस समय घरों के अंदर ही रहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है बाहर। ओके सर, शुक्रिया। बिल्कुल मैम, जिस तरीके से देखिए इनका सवाल था कि बहुत सारे लोगों को अभी ये भी डाउट है कि वैक्सीनेशन का गैप कितना देना है, तो उसके चलते हुए भी आप बता दीजिए, जिस तरीके से आपने बोला 18 प्लस का भी 1 मई से शुरू हो चुका है, वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं युवा पीढ़ी, तो उसके साथ साथ जो आई गेस सेकेंड वाला डोज है जो 45 से अबो बोला था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, वो तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता दीजिए। देखिए हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत इस चीज़ पे काम किया है, काफ़ी वैक्सीनेशन फेब में स्टार्ट हुई थी, उससे पहले ही हमने ये सारा अवेयरनेस कर दी थी पब्लिक में दैट वैक्सीनेशन इज़ मस्ट। और फिलहाल 18 प्लस के लिए वैक्सीन स्लॉट्स खुल चुके हैं, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है इसके भी 2 ही डोजेज़ हैं, कोवैक्सीन के भी 2 ही डोजेज़ हैं, बट जो कोविशील्ड की 2 डोजेज़ हैं उनमें गैप रहेगा 6 to 8 weeks का जी, और जो कोवैक्सीन है फॉर 18 to 45 एज ग्रुप इन JNK ये गैप रहेगा 4 to 6 weeks का। तो पेशेंट को जी बिल्कुल मैम, हमें लगता है नेक्स्ट कॉल उठा लें। जी हेलो, हाँ जी सर बोलिए। जी दोबारा से बताइए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही सर। जी मैम, मेरे मेरे फादर को पेसमेकर लगा हुआ है। जी तो मैं हम वैक्सीन कर सकते हैं? मैम बताइए। देखिए आप जरूर और प्लीज जल्दी से जल्दी उन्हें वैक्सीन कराइए, बिकॉज ये कुछ जो बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीजेज हैं, इन ये बहुत हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, तो जो 60 प्लस पेशेंट्स हैं, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, इसे खाली उसको वो फिट है, अगर उसको नहीं नहीं सर, अगर उनको हार्ट प्रॉब्लम है, उनको पेसमेकर पड़ा है, तो वो अपने आप में एक रिस्क फैक्टर गिना जाता है, और वैक्सीन मस्ट है, आपको जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी रजिस्टर करा के आप प्लीज उनको वैक्सीन कराइए। जी सर, सवाल का जवाब मिल गया आपको सर। जी सर शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके सर, तो बिल्कुल देखिए मैम, जहां हम बात कर रहे थे कि कितने गैप होना चाहिए जब आप वैक्सीनेशन लेते हैं, ये भी आपने बताया किस तरीके से होता है, और दूसरा जिस तरीके से इन्होंने बात की कि आज कोई भी व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, बहुत कम लोग होंगे जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं हम, थायराइड की बात करते हैं, ये एक आम बीमारियाँ हो चुकी है, तो इसके चलते हुए कई सारे लोगों के मन में ये भी डाउट है कि क्या हम वैक्सीनेशन करा सकते हैं, क्या उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, जबकि ये पता है कि साइंटिफिकली ये प्रूव है और ये हर एक नागरिक के लिए बनाई गई है, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए वैक्सीन जो है दैट इज द ओनली ऑप्शन वी हैव नाउ। एग्जैक्टली मैम, बीमारी हो जाना ट्रीटमेंट वो बात की बात है, बट बीमारी ना हो वैक्सीन उस चीज को, उस चीज के लिए है जी। तो जो 60 प्लस के जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं जी, इनफैक्ट अबव 18 एलिजिबल बना दिए गए कोविड वैक्सीन के लिए,
एंड जो एज फैक्टर है 60 प्लस होना अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है, किसी को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीजेज हैं, कैंसर्स हैं, तो ये सब हाई रिस्क पेशेंट्स हैं और ऐसा नहीं है कि इसमें वैक्सीन लगवानी नहीं है जी। ये तो मतलब इनको तो नेक्स्ट कॉलर का जी लेते हैं। हेलो 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 जी, हाँ जी मैम बोलिए। वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए मैम। मैम ये मैंने कोविड के रिलेटेड कुछ जानकारी लेनी जी। बोलिए मैम, सवाल पूछिए आप। मैम अच्छे मुझे 3-4 दिन से फीवर चल रहा है जी, कभी डाउन हो भी जाता है, 100 तक भी आता है। जैसे मैं थोड़ा चलती हूँ घर में, मैं अकेली हूँ, अच्छी में हैंडीकैप्ड हूँ जी। हेलो हाँ जी हाँ जी, सुन रहे आप, बताइए आप। मैं जो ये कॉलर है ये कह रहे हैं कि 3-4 दिन से इन्हें बुखार है, ये हैंडीकैप्ड है, ये मूव नहीं कर सकते और ये घर पे अकेली है, समय तो क्या प्रिकॉशंस इन्हें लेने चाहिए? ठीक है, देखिए कोविड पॉजिटिव पेशेंट के लिए जो मैंने एक चीज देखा है, मिस नॉर्मल है पब्लिक में कि रेस्ट दो। नो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप उसको 24 घंटे बेड पे लिटा दो जी। एम्बुलेटरी होना, मोबाइल होना कोविड पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। वो चलेगा, थोड़ा अपना रूटीन का एक्सरसाइज करेगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेगा, दैट इज गुड। और अगर इनको थोड़ा बिकॉज शी इज हैंडीकैप थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस तरह का ये स्ट्रेनस काम ना करें जो ये रूटीन में करती थी व्हेन शी वाज नॉर्मल जी। इनसे पूछ लेते हैं, मैम आपने कोविड का जो टेस्ट है वो करवाया है अपना? मैम एक्चुअली मैम मिडिल फैमिली से बिलोंग, कोविड का टेस्ट भी नहीं करा पाई जी। सुबह शाम मैंने 2-3 दिन से मैं पैरासिटामोल ले रही हूँ जी। तो बुखार क्या है आपका, मतलब आपको कभी चढ़ रहा है कभी उतर रहा है, ऐसा हो रहा है जी? कभी 100 भी आ रहा है, कभी 99, कभी 102 जा रहा है। तो बुखार के अलावा अगर हम बात करें, कुछ और दिक्कत आपको आ रही हो या सिर्फ बुखार ही? बस और कोई दिक्कत नहीं है मुझे इस टाइम। तो अब आप चाहती हैं कि आपका ये जो बुखार है ये कैसे कंट्रोल में आए, उसके लिए मैम बता दीजिए। देखिए सबसे पहले तो बिकॉज इनको 4 दिन से बुखार है तो आइसोलेशन तो इनकी सबसे पहली चीज़ है जो इनको करनी ही चाहिए खुद के लिए एंड टू सेव अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट इज जो हमारी जो टेस्टिंग टीम्स हैं, रैपिड टेस्टिंग टीम्स, ये डेली बेसिस पे अपने कैंप्स लगाते हैं, तो ये हम इनसे डिटेल्स ले लेंगे और हम इनको बताएंगे कि इनका नियर बाय जो रैपिड टेस्टिंग टीम है वो कहाँ पे है जी। तो ये टेस्ट कराएं एंड सो दैट कि हम इनको आगे का फॉलोअप कर सकें। बिल्कुल, तो मैम आप ऐसा करिए, देखिए आपको बुखार है तो कहीं ना कहीं वो लक्षण तो कोविड के है ही है क्योंकि जी, जी, बुखार उसमें से एक है। तो आप एक काम करिए, वैसे भी आप अकेली ही है तो उसके चलते हुए आप कोशिश करिए आप किसी और से ज्यादा रिलेट ना करें, मिले ना। एक चीज मैं इनको बताना चाहूंगी कि बिकॉज गवर्नमेंट आर हेल्थ डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री कोरोना मेडिसिन किट्स, तो इन केस शी टर्न्स आउट टू बी पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव आती हैं कोरोना के लिए तो आपको आपके डोर स्टेप पे ये किट प्रोवाइड की जाएगी। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है कि रिसेंटली अभी ये गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि जितने भी जो घर पे है होम आइसोलेटेड है अगर उन्हें कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसमें एक किट आएगी जिसमें ऑक्सीमीटर के साथ साथ आपको मेडिसिन के साथ साथ सब कुछ मिलेगा। तो आप बेफिक्र रहिए, लेकिन ये कोशिश करिए कि आप रिकवर करेंगे, आप पॉजिटिव माइंड रखिए, वो वाला पॉजिटिव नहीं रखना है लेकिन एक कह सकते ना कि आप ये समझे कि आप बिल्कुल ठीक हो चुकी है और रिकवर करने की कोशिश करिए, आपका जो हाँ बुखार है वो जल्द से जल्द उतर जाएगा। ठीक है मैम, ओके, बेस्ट ऑफ लक मैम। ओके, तो बिल्कुल देखिए आप 2-3 दिन का बुखार है इन्हें और जो आपने ये मेंशन किया कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से कहा है कि अब डोर स्टेप पे जो किट्स है वो मिलेंगी जिसमें ऑक्सीमीटर मेडिसिन जो है पूरी उपलब्ध होगी ताकि जो अस्पताल में एक रिटन पैम्फलेट है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हिंदी एज वेल इंग्लिश में लिखी गई है जी, सो दैट पीपल वो फॉलो कर सकें, लोग डूज एंड डोंट्स ऑलरेडी वो उस पैम्फलेट में मेंशन किए हुए जी। तो आई गेस नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं। हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग। ये तो मेरे को मैम कोविड पॉजिटिव ठीक हो गया है जी, तो उस पर वैक्सीन के लिए कितना वेट करना होगा? आप कोविड पॉजिटिव थे सर, आप रिकवर कर चुके हैं? जी जी रिकवर हो गए। तो आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई अभी तक कोई भी? नहीं करवाई। तो आई गेस इनकी एज पूछनी चाहिए जी, एज बताएं सर अपनी, एज उम्र बताएं अपनी सर, उम्र बताएं, उम्र जी जी 52। और आपने अभी एक भी डोज नहीं लिया है सर? ठीक है, और कोविड वैक्सीन ये जो कोविड से आपकी रिकवरी को कितने दिन हुए हैं सर?
3-4 दिन हुए। ओके, तो अब आप चाहते कि आप फुली ठीक हो चुके हैं, उसके बाद अब आप वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं? अब मैं वही मैं वैक्सीन के लिए कितना वेट करना होगा? ठीक है, आप रहते कहाँ हैं सर? कब तक बता सकते? आप अपना रेजिडेंस बताएं सर। हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं? आप रहते कहाँ हैं, आप वो बताइए सर। हम श्रीनगर में रहते हैं। जी, श्रीनगर में रहते हैं आप? हाँ जी। तो आपकी वहाँ नियर बाई आई गेस कोई ड्राइव चल रहा होगा, जो वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है वहाँ पे कोई? तो हाँ, आई गेस इनको वहाँ पे कंटेक्ट। देखिए, जो आपके घर के नियर बाय जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सरकारी डिस्पेंसरीज जो हैं, वहाँ पे जाके आप जब चाहें, आप एलिजिबल हो चुके हैं, आप कोरोना से फ्री हो चुके हैं, तो आप खुद को वैक्सीनेट कराइए। ठीक है सर जी। आपके आपकी एज ग्रुप में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगी और आपकी ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन होगी और आपको सेकेंड डोज के लिए मैसेज आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। तो बिल्कुल देखिए मैम, जिस तरीके से जो ठीक भी हो चुके हैं, या देखिए इनकी जितनी उम्र है इसी हिसाब से तो जो फर्स्ट स्लॉट है, जो पैलेटी अगर इनकी प्रक्रिया शुरू हुई थी, इनको कवर होना चाहिए था और इनको पहले से ही वैक्सीनेशन लगाना चाहिए था। तो आई गेस बैक टू बैक जितने भी हमारे दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, आई गेस क्वायरीज जो है वो लगातार आ रही है। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, बोलिए सर। जी सर, दोबारा से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी इरफान जी, बोलिए अपना सवाल, बोलिए। जी मैडम, ये डॉक्टर साहब है ना वहाँ? जी बिल्कुल, यहीं पे है। हाँ, मैंने वो वैक्सीन लगवाया 7 तारीख को। जी हेलो। हाँ जी, सुन रहे हैं सर। इरफान जी, आप अपना सवाल बोलिए। मेरी एज है 37। जी, मुझे कब ये दूसरी डोज लगानी है? जी मैम बोलिए। ये एज ग्रुप 37 में है तो इनको कोवैक्सीन लगी है एंड 4 से 6 हफ्ते के बीच ये अपना डोज रिपीट कर सकते हैं और इनको मैसेज आएगा बिकॉज ही हैज बीन रजिस्टर्ड ऑलरेडी। तो हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि इनको जो इनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे ड्यू डोज का मैसेज इनको आएगा एंड ही हैज टू जस्ट गो एंड ही विल बी वैक्सीनेटेड। जी हिरवान जी, आपको मैसेज आ जाएगा सेकेंड डोज के लिए, तो आप निश्चित रहिए और बेफिक्र होइए क्योंकि आपने फर्स्ट डोज लिया है। जी मतलब क्या? जी जी देखिए, बुखार आना थोड़ा सा इसका एक छोटा सा साइड इफेक्ट है जो एक्चुअली में ये बता रहा है कि आपकी वैक्सीन आपकी बॉडी के अंदर जाके काम कर रही है, वो आपको इम्यूनिटी, आपको कोविड से लड़ने की जो सिक्योरिटी है वो दे रही है। तो अगर आपको बुखार है, आप पैरासिटामोल ले लीजिए। आप जी सर, ठीक है सर, आप 8-8 घंटे बाद इसको ले सकते हैं। आठ घंटे बाद? 8 घंटे के बाद? जी हेलो जी इरफान जी, 8-8 घंटे के बाद आप इस दवाई को ले सकते हैं और आपने जो वैक्सीनेशन करवाई है ना। शुक्रिया। जी ओके ओके, शुक्रिया जी, शुक्रिया। तो जिस तरीके से देखिए, इन्होंने वैक्सीनेशन तो ले ली है लेकिन ये भी काफी लोगों के सवाल रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है उसमें फीवर लग रहा है, तो लेकिन मैम मुझे लगता है ऐसा कि हर एक की बॉडी जो है वो सामान्य नहीं होती। जी देखिए, कोविड वैक्सीनेशन के बाद ये फीवर का आना एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। कई लोगों में थोड़ा सा माइल्ड सा फीवर आता है अप टू 9900, बट कईयों में ज्यादा भी आ जाता है। जी सो इट आई वुड लाइक टू से दैट इट इज एक्चुअली द prove that yes the vaccine is effective and it is working inside your body, it has started working in your body. तो लोगों को इसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है बिकॉज हर वैक्सीन का एक साइड इफेक्ट आता है। अगर हम बात करें बच्चों की वैक्सीन की, पहले DPT लगता था, आज पेंटा लगता है, तो उनको भी फीवर आता है। जी तो आई गेस मैम हमें नेक्स्ट कॉलर उठाना चाहिए। हेलो हेलो जी जी सर बताइए। हाँ जी हाँ जी, सुन रहे हैं सर, बताइए। मैम से मेरे को डॉक्टर हार्दिक कुमार पूछना था कि मैं बिना बात कर रहा हूँ जम्मू से। जी कोविड पॉजिटिव आ गया था। जी अगला टेस्ट, अभी मेरे सिम्टम्स सब नॉर्मल लग रहे हैं, तो मेरे को अगला टेस्ट कब कराना पड़ेगा? जी देखिए मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस टाइम एसिम्प्टोमेटिक हो चुके हैं, आपने सारा दवाई का कोर्स कर लिया है, आप आइसोलेशन में ऑलरेडी हैं एंड 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं और आपको लास्ट 3 दिन से कोई बुखार नहीं आया, तो आप कोविड फ्री हैं। आपको आइसोलेशन से बाहर आने के लिए किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। यू कैन रिज्यूम योर डेली रूटीन वर्क। मैम मेरे को तो फीवर आया नहीं था कभी भी,
नहीं सर, हो सकता है कि आपको फीवर या कोई भी सिम्टम नहीं आया है, बट द 10 डेज क्राइटेरिया जो है 10 डेज ऑफ आइसोलेशन एंड नो फीवर इन लास्ट 10 डेज आपने वो सक्सेसफुली क्रॉस किया है एंड आई वुड लाइक टू से दैट यू आर फ्री फ्रॉम कोरोना। विनय जी आपको मुबारक है, आप कोरोना पॉजिटिव केस जो भी हम जद्दोजहद से कह सकते हैं बाहर निकल चुके हैं, आपको खुशी मनानी चाहिए और जिस तरीके से आप पहले अपना जीवन व्यतीत करते थे अब आप भी कर सकते हैं। बट एक चीज विनय जी मैं ऐड करना चाहूंगी दैट आप बाहर जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना दोबारा नहीं हो सकता। डू वैक्सीनेट योर सेल्फ, टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड बी हैप्पी। ओके मैम, मेरे को एक और सवाल था जी, हम अभी वैक्सीनेशन कितने दिनों के बाद करा सकते हैं आफ्टर, बिकॉज देयर इज सम रूमर्स कमिंग अप कि आप वैक्सीनेशन आफ्टर 90 डेज करेंगे। देखिए ये रूमर्स नहीं है, अगर देखा जाए तो साइंटिफिकली इसमें थोड़ी रियलिटी भी है कि जब आप कोरोना इन्फेक्शन से बाहर निकल आए हैं तो आपके अंदर नेचुरली एंटीबॉडीज बीमारी से लड़ने की क्षमता बन चुकी है। अगर बिकॉज ऑफ सम रीजन आप नहीं करा पा रहे हैं वैक्सीन तो आप डिले कर सकते हैं। अगर आप वैक्सीन करवा सकते हैं आपके लिए स्लॉट बुक हो चुका है तो यू शुड गो अहेड। आपको नेसेसरी नहीं है कि आपको डिले करना है, इन केस कुछ हो जाता है आप कहीं पे फंस जाते हैं कुछ स्लॉट नहीं मिल रहा है दैट इज सेकेंडरी रीजन, बट आपको मिल रहा है आप 14 डेज का ब्रेक ले सकते हैं, 14 डेज का 2 वीक्स का आप गैप लेंगे एंड देन यू कैन गो अहेड। ओके विनय जी थैंक यू। तो बिल्कुल देखिए जिस तरीके से इनका भी सवाल था कि वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहें, आप देखिए मैम इस समय ऐसा दौर चल रहा है कि अफवाहों पे लोगों को विश्वास नहीं कर रहे हैं, जैसे वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी क्वेरीज जो है वो आ रही है कि कब हमें जाना चाहिए नहीं जाना। एग्जैक्टली अगर हम देखें कितना टाइम ड्यूरेशन अगर एक बार आप वैक्सीनेशन लगवाते हैं उसके बाद आना चाहिए। देखिए अगर आपकी एक वैक्सीनेशन एक डोज हो चुका है तो वो मैंने पहले भी बताया कि आपको 6 to 8 weeks का गैप लेना है कोविशील्ड के लिए, 4 to 6 weeks का गैप लेना है कोवैक्सीन के लिए। बट अगर आपको इन बिटवीन कोरोना हो जाता है यू आर पॉजिटिव फॉर इट तो आपको 2 weeks का गैप लेना है, गिव टाइम टू योर बॉडी सो दैट की एंटीबॉडीज का भी लेवल स्ट्रीमलाइन हो जाए एंड देन यू शुड गो अहेड। जी सेकंड डोज कॉलर का उठा लेते। हेलो हेलो जी सर बोलिए। मेरे फादर इन लॉ को फर्स्ट डोज के हरियाणा में वैक्सीन लग चुकी है, सेकंड डोज की हमें जम्मू में लग चुकी, वो जम्मू आए हुए हैं। जी सवाल इनका है आपकी जो फादर है उन्हें हरियाणा में फर्स्ट डोज लगी है। हरियाणा सोनीपत में किंग्स बेरी फोर्ट में रहते थे जी, वो जम्मू आए हुए हैं जी, तो उनको सेकंड डोज लगनी है जी। तो आई गेस इनका सवाल ये है कि सेकंड डोज जम्मू में लगवा सकते हैं। देखिए जो भी जिस भी ये फोटो आईडी प्रूफ से ये रजिस्टर करवाया इन्होंने खुद को वो ऑल ओवर इंडिया वैलिड है, तो ये जिस भी किसी वैक्सीनेशन सेंटर में जाते हैं ये अपने आप को वैक्सीन करा सकते हैं, बिकॉज ये सारा सिस्टम हम ऑनलाइन अपडेट कर रहे हैं तो इनका जो डोज है वो इनको कहीं भी ही इज एलिजिबल फॉर द सेकेंड डोज ऑफ कोविड वैक्सीन। तो बिल्कुल सर आप जम्मू में भी करवा सकते हैं। सर आवाज आ रही है आपको हमारी? जी सर। ओके शुक्रिया सर। तो बिल्कुल देखिए जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो है इस समय सवालों की बौछार हम पर कर रहे हैं और डॉक्टर्स की ड्यूटी ऐसी होती है आप भी जानते हैं, इस समय फ्रंट लाइन पे खड़े हैं ताकि हम आम नागरिक घर पे रह सके और तमाम प्रिकॉशन ले सके। तो उस तरीके से डॉक्टर उषा शर्मा आज हमारे साथ थी, उन्होंने कितनी सारी बातें की और अभी भी देखिए फोन कॉल्स का जो सिलसिला है वो लगातार आना जो है वो शुरू हो गया है। तो इस बीच आपने बहुत सारी बातें जो है हमारे व्यूवर्स को बताई, जितने भी दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, और जाते जाते मैं चाहूंगी कि मैम एक कोई भी मैसेज जो आप अपनी तरफ से देना चाहेंगी। देखिए मेरा सबके लिए एक पब्लिक एक जनरल सा एक सिंपल छोटा सा मैसेज है, स्टे होम स्टे सेफ। जी मैम थैंक यू मैम, और आप भी जिस तरीके से इस समय पूरे हिंदुस्तान के जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्हें भी कहना चाहेंगे वो भी सेफ रहिए, क्योंकि आप हैं तो हम जैसे आम नागरिक जो है अपने घरों में बैठ पा रहे हैं, हमारा इलाज हो रहा है। थैंक यू वेरी मच मैम। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही था, फिर से मुलाकात करेंगे, जितनी भी आपकी क्वेरीज है हम तक पहुंचाइए और कोशिश यही रहेगी कि हर घर तक हर एक सवाल का जवाब जो है हम पूर्ण रूप से पहुंचाइए। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार। अरे ओ बंसी, तेरी और मेरी गाय तो एकदम जुड़वा लागे है।
फर्स्ट बूस्ट एकदम जुड़वा। राजू ये सिर्फ दिखती जुड़वा है लेकिन दूध जुड़वा नहीं देती। तेरी गाय दे इतना सारा दूध और मेरी इतना सा। इसमें तेरी गाय की ना तेरी गलती है, तू अपनी